हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूपीज किचन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज रूपीज किचन में हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल्स दलिया। ये बहुत ही हेल्थी होता है, आप कभी भी इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं और साथ में एक ऑमलेट, और ये काफी टेस्टी होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वेजिटेबल्स दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, गाजर, बीन्स और टमाटर, और तड़के में हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ करी पत्ता और राई। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल दलिया लिया हुआ है। अब चलो वेजिटेबल्स दलिया बना लेते हैं। सबसे पहले हम दलिया को अच्छे से धो लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल, ज्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच करीब इसमें ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल को गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच करीब राई और करी पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। हल्का सा इसे सौते करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए, इसको हल्का ही हमें सौते करना है। अब इसमें डाल देंगे हम सारी वेजिटेबल, बीन्स, गाजर और टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर सब्जियों को ऐसे ही फ्राई होने देंगे और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे और दलिया को डाल देंगे। थोड़ी देर सब्जियों को फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच करी धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें अनारदाना पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे और आप अनारदाना की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हम दलिया, अच्छे से वॉश करके डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इसमें डाल देना है पानी। पानी जब हम डालेंगे तो दलिये के लेयर से थोड़ा सा ऊपर तक पानी डालिए बस। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी तक इसे पकाएंगे। जब तक दलिया पक रहा है तो हम इसके साथ के लिए ऑमलेट बना लेते हैं, और जो वेजिटेरियन है, जो अंडा नहीं खाते हैं, वो लोग इसके साथ टमाटर की चटनी खा सकते हैं। टमाटर की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, फिर भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो अब इसमें डालेंगे हम बटर। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ऑमलेट हमारा तैयार है। अब हमें वेट करना है दलिया के पकने का। दलिया जो है रेडी हो गया, मैंने कम से कम इसमें 3 सीटी लगाई है। तो हम ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया दलिया बना है हमारा। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बस अब इसे सर्व करते हैं ऑमलेट के साथ। ये देखिए हमारा सुपर हेल्थी ब्रेकफास्ट रेडी है। आप भी इस वेज दलिया को एक बार जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपका वेजिटेबल दलिया कैसा बना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।